भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, सारे जगत को आनंद भगवान देते हैं और भगवान को आनंद श्री राधा रानी प्रदान करती हैं। और जब कोई वृंदावन आ जाता है तो किशोरी जी उसको अपने ही पाले में ले लेती है, अब आ जाओ, अब यहाँ हमारी रीति नीति से सब काम चलेगा। तो राधा का अर्थ है भक्ति, भक्ति अगर हृदय में है तो राधा रानी हृदय में है, और राधा रानी है तो जहाँ किशोरी जी हैं वहाँ श्याम सुंदर आएंगे ही, कमल खिलेगा तो भंवरा का आना तय है। राधा रानी वो कमल हैं जहाँ श्री कृष्ण भंवरा रूपी आके मडराते रहते हैं, और जिनके जीवन में राधा भी हैं और कृष्ण भी हैं, आनंद भी है और आह्लाद भी है, फिर उनका बेटा तो प्रहलाद ही होगा, फिर गाय को उनको कंस, रावण इत्यादि उनको प्राप्त होंगे पूतना ताड़का। तो भक्ति की भावधारा को कभी मिटने मत देना, भक्ति के मार्ग में जो जो अवरोध उत्पन्न करे उसको छोड़ो मत छोड़ो, परंतु भक्ति के मार्ग में जो सहयोग करे उसको मत छोड़ो। क्या छोड़ना है ये नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि सारा प्रवचन छोड़ने पे आ जाता है, और हम कहते हैं पकड़ो। भक्ति के वर्धन के लिए भक्ति का जो खुराक है सत्संग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग। तो भक्ति विरुद्ध आचरण इत्यादि करने वाले लोगों से कहां तक संग छूटे न छूटे कुछ खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भक्ति सापेक्ष जो हैं उनका संग कभी त्याग ना हो। ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, तुमसे कुछ छूटने वाला है नहीं। सिगरेट छूटता नहीं तुमसे, गुटखा छूटता नहीं, मुर्दा जो है निर्जीव है वो तुमसे छूटता नहीं है, पर जिंदे के अंदर में जो आसक्ति तुमने लगाया वो कैसे छूटेगी? जिसमें कोई प्राण नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नशा इत्यादि, वो तुमसे छूट नहीं रहा। अभक्ष्य भोज पदार्थ इत्यादि तुमसे छूट नहीं रहे, जिनका ग्रहण मात्र ही तुम्हारे सुचिता, पवित्रता, शुद्धता इत्यादि सबको प्रभावित करता है, वो ठीक से छूट नहीं पाता। तो मुर्दों को नहीं छोड़ पाते, कुर्सी नहीं छूट पाती, जूते चप्पल कपड़े नहीं छूट पाते, बोला हम तो ऐसे ही पहनेंगे, जिसको जो बोलना है बोले, और कोई काय को बोलेगा कुछ। उनके वस्त्र इत्यादि, परिधान इत्यादि देखो, हमें सीखना है। इतने सुदूर रह के भी अपने गुरुदेव और भगवान के सापेक्ष वस्त्र, साज सज्जा, श्रृंगार, खान पान, आहार विहार, विचार प्रचार, ये सब भगवत सापेक्ष है, भक्ति सापेक्ष है। हम आपको कुछ बनाना नहीं चाहते, न कह सकते इस वस्त्र इत्यादि पर, जिसको जो कंफर्ट हो पहने कोई बात नहीं। मैं तो बहुत लिबरल हूँ और मैं चाहता हूँ भक्ति मार्ग में लिबर्टी होनी चाहिए, जिनको जो अच्छा लगे पहने, आहार रखें, विहार रखें, जो अच्छा लगे वो खाओ, पर याद रखो जो लोगे, जो धारण करोगे, उसके प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ेंगे, वो तुम्हारा संस्कार बनेगा। हैबिट इज द सेकेंड नेचर, जो तुम्हारी आदतें हैं वो तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। लोग कहते हैं महाराज जी भक्ति में ये सब कपड़ा लत्ता और ये और ये सब क्यों इतना बाबा जी लोग बोलते रहते हैं? अरे बाबा जी को क्या पड़ा है ये बोलते रहे? कोई बाबा जी को धोती वोती बिकने में कोई आके कमीशन देता है क्या कि हम धोती का प्रचार करेंगे तो धोती वाले कहेंगे लीजिए आप इतना ले लीजिए? बात आपके विचार पर है, इसी से विचार बनता और बिगड़ता है, ये भी एक रोल निभाता है। ऐसा नहीं है मैं तो फुल पैंट शर्ट में कितने भक्त को दिखाऊं, मैं भी दिखाऊं। सब्जी घर में बनाते हो तो सब्जी तो है, जो भी आलू इत्यादि लाए सब हरी सब्जी, अब उसमें छौंका तड़का क्या लगता है, छनन गर 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 कुछ 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 स्पाइसेस ये सब डाल के, सब्जी तो सब्जी है, बॉयल किया खा लिया। एक दिन नोना बनाई थी हमारे लिए, बॉयल करी दे दी हमको, हम भी खा लिए, हम कि वाह बहुत दिन के बाद मिला। विदेशों में ज़्यादातर लोग अगर ऐसा खाने का अवसर मिले
विदेशी लोग हम लोगों की तरह रहना चाहते हैं, सनातन परंपरा की तरह। वो दिन रात प्रयत्न करते हैं कि सनातन परंपरा के अनुरूप, क्योंकि उस साइंस को समझ लिए अब, सनातन के साइंस को जितने भी विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो समझ चुके हैं। वो हम लोग जो सबसे उन्नत थे, सबसे ऊपर थे, पर ऐसी मती मारी गई अंग्रेजों ने, ऐसा गुलाम बनाया हम लोगों को कि वो गुलामी अभी तक जा ही नहीं रही है। तो आचार आचरण पर आपके आहार विहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आहार विहार, इससे बनता है विचार, और विचार कर्म के रूप में परिवर्तित होंगे। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर विचार आया है तो कर्म में आएगा अनजाने में। तो अगर पहले इस स्टेप पर ही चीजों को ठीक नहीं किया गया तो बाद में क्या होगा। एक आदमी ने घर का पूरा वायरिंग उजड़वा दिया, वो बिजली की जो वायरिंग होती है, सब उजाड़ पुजाड़ के ये करके, बल्ब टल्ब खोल के सारा पूरा घर, अंत में पता चला मेन स्विच ऑफ था, बर्बाद हो गया घर उसका। कहीं आपके हमारे जीवन में भी यही तो नहीं हो रहा, पूरा उथल पुथल मचाए हुए हैं, अपना वायरिंग दो चार आदमी का और उजाड़ दे रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है मेन स्विच ऑफ था। हे भगवान, बड़ी नुकसान हो गया। तो कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां, परेशानियों को दूर कर देना, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन आई, हाउ कैन एनीबडी, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मौलिक बेसिक ABCD अगर आपकी ठीक नहीं है तो एप्पल और बॉय और बैट और बॉल कहां से आएगा, सब ABCD नहीं, और से ज्ञ तक ही जानकारी नहीं है आपको। आप कह रहे हैं वेद पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, तुमको तो अक्षर का ज्ञान नहीं। इसलिए बच्चों को पहले छोटे से उम्र में अक्षर ज्ञान कराया जाता है, यह भी संस्कार है। जैसे अन्नप्राशन कराया जाता है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है, वैसे अक्षर ज्ञान कराए जाते हैं, खड़ी और ये दे करके सब लिखवाया जाता था। हमारे समय में तो हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए तब पेंसिल ही समझते थे, पेन तो मिला नहीं था, फाउंटेन पेन तब होता था, वो फाउंटेन पेन मिलता नहीं था। अब पहली बार मिला तो एक आध साल तक पर स्याही पैंट में, हाँ वहाँ सब जगह स्याही स्याही, होली रोज ही रहती थी, वो कितना भी करो पेन बह जाता था। पहले तो ऐसी थी गाँव में कि 8 साल तक 10 साल तक नाक भी बह रहा पेन भी बह रहा, तो बह ही रहा सब कुछ, बेचारे का पूरा कपड़ा अद्भुत होता था। अब याद आ जाता है तो मैं क्या बोलूं, बोलना ही पड़ता है। तो पेंसिल इत्यादि से सब लिखा जाता, पेंसिल में एक सुविधा है, गड़बड़ हो गई तो मिटा दो, रबर मिलता था एक तो ऐसे ऐसे करके मिटा देते फिर से लिख देते। पेन में तो खैर, अब आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि खतौनी उतौनी में ऐसा फॉर्जरी करते हैं, मुझे एक ने बताया कि 300 साल पुराना भी सिग्नेचर हम कर देंगे, लगे वो चेक भी होगा जब ना, तो 300 साल पुराना हम कैसा निकल गया, बोला हाँ, बोला कितने वसीयत लिखवा के जमीन अपने नाम हम लोग कर लिए, हम के वाह रे भाई, तो वही कमाल आदमी है, वो पूरा भारत अपने नाम मत करवा लेना। तो बोला ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग हैं महाराज, तुम्हें कैसी कैसी फ्रॉडिज्म होती है, हम सुन के बस ऐसे इंजॉय कर, ऐसा होता है तो करके हमारा मत बन जाना, वसीयत मत लिखवा लेना, पता 50 साल पुराना मेरा मत लिखवा लेना। अच्छा 50 साल पुराना लिखवाएगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, ये सब 2014-15 के बाद का है, हमारे पास कुछ था ही नहीं, लेगा क्या, वो भी कुछ नहीं होगा। विनोद है, मस्ती है, थोड़ी थोड़ी मस्ती करते रहिए। भक्ति सापेक्ष जो जो चीजें हैं वो स्वीकार करनी होगी, नहीं करोगे भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आएगी, कभी भी बिहारी नहीं आएंगे जीवन में, बिहारी नहीं आएंगे, वो आनंद स्वरूप है, बर्बाद हो जाओगे पर आनंद नहीं पाओगे, तो पूरी जिंदगी तुम्हारी बेकार हो गई। बत विभूमि कैवल्यतः, श्रम हो गया केवल। बोला जिंदगी क्या हो गया, बोला मजबूर थे कुछ दिन तक, फिर कुछ दिन तक मजदूर थे, मजदूरी से मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं। तुम मजदूर थोड़ी पैदा हुए हो, ईश्वर की संतान हो। मजदूर किन्हें कहते हैं आपको पता है, जो दूसरों का काम करते हैं उसके बदले में उनको दिहाड़ी मिलती है, समझ रहे हो, पर जो अपना काम करता है उसको मजदूर कैसे कहोगे। तो सियाराम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए कोई भक्त कोई संत कभी मजदूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सियाराम मैं सब जग जानी, सब मेरे हैं,
पराया कोई है ही नहीं, मजदूरी कहां करनी है। भावग्रह भाव बदल जाने से ही कितना कुछ बदल गया। देखो मजबूरी, मजदूरी हमारा मजबूरी है, मजदूरी हमारी मजबूरी है, मजबूरी हमारी मजदूरी है, हाय हाय कर रहा है। और एक आदमी क्या कह रहा है, बोला सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी सब मेरे हैं। अभी आज तो आपको मैंने जूता सिलते हुए देखा, बोला सब मेरे हैं। रैदास जी को आप मजदूर समझते हो क्या, बोलो? नामदेव जी को मजदूर समझते हो? सांवता माली को, गोरा कुम्हार को, चोखा मेला को, कबीरदास को क्या समझते हो? ये मजदूर हैं। अच्छा तुम्हारी भाषा में तो वही कर रहे हैं, एक कपड़ा बना रहे हैं दिन रात, घटर घट घटर घट घटर घट लेकर के लकड़ी का उबुला करके बेचारे तकली से कात रहे हैं, सूता सूता से कपड़ा, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। और क्या मजदूरी है? जिसे को तो बोले फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है। अगर उस दृष्टि से देखो तो कबीरदास भी मजदूर हैं, पर कबीरदास न मजदूर हैं न मजबूर हैं, हैं? वो सूर हैं। सूर माने सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर और लागे पर भागे नहीं वाको नाम कबीर। सूरमा, सूर से सूरमा, सूरमा है। कपड़े बिन रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन रात, बेच रहे हैं, और फिर भी सूरमा है और तुम मजदूर बने बैठे हो। गोरा कुम्हार दिन भर मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी ये वो, मिट्टी काटो, मिट्टी बनाओ, ये करो, कुम्हार का चाक बनाओ, पकाओ, ये करो, वहां ले जाओ, वहां बेचो, तमाम झंझटें हैं। पर महाभक्त हैं गोरा कुम्हार। चाचा के यहां पर सत्संगियों की भीड़ लगती है शाम को, जहां ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, सांवता माली, न जाने नामदेव, बड़े बड़े संत आते हैं जहां सत्संग के लिए उस समय में तात्कालीन। अच्छा काम क्या करते हैं? बोला वही मिट्टी काटना, मिट्टी लाना, मिट्टी को खूब ऐसे फुलाना और उसको बैठ करके कुल्हा सकोड़ा बनाना और बाजार में बेचना, ये काम था। तो मजदूर हो गए, पर पूरा महाराष्ट्र उनकी भक्ति के अभंगों पर झूम रहा है, नामदेव की भक्ति पे झूम रहा है। जनाबाई नामदेव जी के यहां नौकरानी, सर्वेंट, पिता ने आके रख दिया था उनके पास में, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। कपड़ा धोना, नदी जाना, लिपाई पुताई करना, गोबर का गाय का कंडा बनाना, यही काम था। अच्छा उस दृष्टि से तो वो मजदूर है, कुली रेजा जिनको कहते। पर जनाबाई के सामने जाकर के कबीर भी नतमस्तक हैं। कबीर जब पहुंचे और जनाबाई के कंडे से बिठल बिठल की आवाज आ गई, कंडे से, गोबर के कंडे से, बिठल बिठल पांडुरंग बिठल, कमाल है, गोबर के कंडे से बिठल बिठल आ रही है और हम तुम इंसान होके भी हाय हाय कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेके भी हाय हाय कर रहे हैं, तब भी बिठल नहीं निकल रहा है तुमसे। तो भक्ति मूलक, भक्ति सापेक्ष जितने भी संसाधन हैं, साधन हैं, अगर उनको नहीं अपनाते तो भक्ति मूलक, भक्ति सापेक्ष जितने भी विचार हैं, कर्म हैं, उन सबको धीरे धीरे अपनाओ। पूजा करो, पाठ करो, यमुना जी स्नान करो, कीर्तन करो, नाम करो, ध्यान करो, पढ़ो पढ़ाओ, नाचो नचाओ, भोग बनाओ, प्रसाद पाओ, प्रसाद बांटो, उपवास करो, व्रत करो, नियम करो, नियम करो, आचार करो, हवन करो, सब करो। लेकिन भैया ध्यान रखो और रोज चेक करो कि तुम्हारे किए गए भक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़ रहा है या परेशानी बढ़ रही है। मशीन ले आए फैक्ट्री बनाने के लिए, बाद में पता चला कि 6 महीने के बाद पता लगा इतना बैंक बैलेंस था सब उस मशीन में घुस गया और मशीनों घुस गया। फैक्ट्री से क्या प्रोडक्शन हुआ? बोला जितना माल था घर का सब उसी में लग गया। बस जाने का जगह है, आने का नहीं। यदगत्वाना निवर्तन्ति, गीता का श्लोक का पालन हो रहा है। एक बार जो आ गया हम लोगों के प्रोजेक्ट में, एक बार जो आ गया उसको बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं। अब दो अर्थ की बात है, इसको समझ लो ठीक से। तो ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखो इसमें गाड़ी की तरह इस ग्लास में मॉइस्चराइजेशन हो रहा है रोज, ह्यूमिडिटी के कारण ये आसपास देखने में तकलीफ हो रही है। बट वी ऑल आर साइंटिस्ट हियर, somebody is engineer, doctors,
अब इसके लिए क्या इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत है, तो साधारण आदमी भी जानते हैं कि ये हो तो क्या करना चाहिए, कहाँ से वेंटिलेशन देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है, ये सभी जानते हैं। बट इग्नोरेंस इज द कजिन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। अब देखो, अब किसी का चेहरा मुझे तो प्रायः अब कम का दिख रहा है, वो सब नहीं पिक्चर में होता है कि अब तुम लोग भूतकाल हो गए मेरे लिए, धीरे धीरे पास्ट हो गया। हाँ, बड़ी मुश्किल से किसी का कुछ दिख रहा है तो दिख रहा है, चमक रहा है, तो अवेयरनेस, अच्छा जागरण, ये बताता है कि बाहर से भले कुछ दिख रहा हो कि नहीं बड़ी मेहनत करता है बड़ी, लेकिन आपके आंतरिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, आप स्टिल वही हैं, इतना भी परिवर्तन नहीं हो रहा। एंड ये बड़ी डेंजरस अवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके भीतर सुधार नहीं है। 104 डिग्री का बुखार 105 हुआ जा रहा है, 3 होने का नाम नहीं ले रहा, दैट मीन्स ये स्टेज अच्छा नहीं है। माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चों, ये भक्ति ना आलस्य विहीन कर्म मांगती है, ये सिर्फ चिंतन का विषय नहीं है, ये सिर्फ मौखिक ज्ञान नहीं है। खूब अच्छा सोचे, खूब अच्छा बोले, खूब चिंता में एकदम पड़े हुए हैं, भाव मेरे शुद्ध हैं, कर्म नहीं रे चिंता सौत पिछिल पूर्ण नौरक पौत, खोटा सिक्का दो बार नहीं चलता, खरे बनो। हाँ, एक बार टकसाल से वापस हो चुके हो तो इस बार रगड़ उगड़ के, वो बाहरी पॉलिश से नहीं चलेगा, देखो आंतरिक पॉलिश हुई है कि नहीं, बाहरी पॉलिश तो बदल दे आएगा, हो सकता है थोड़े अदल बदल हो जाओ, दुबले पतले हो जाओ, मोटे हो जाओ, थोड़े चेहरे पे चमक आ जाए, थोड़े और स्मार्ट लगने लगो, इट्स नॉट एनफ। भीतर परिवर्तन आया कि नहीं, 8:30 बजे होने वाले काम को 8:15 बजे करने की नीति बनी कि नहीं जीवन में, और नहीं तो आप बाह्य आचरणों से गुरु को कभी प्रभावित नहीं कर सकते, कभी जीवन में किसी महापुरुष को प्रभावित नहीं कर सकते। बाह्य आचरण दिखावटी मात्र होते हैं कुछ समय के, काली राम का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, कोशिश भीतर से चलनी चाहिए, और करोगे तो जरूर होगा, करोगे तो जरूर होगा। देखो कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चों कि जीवन में कोई अपराध बन पड़े, कोई गड़बड़ हो जाए, तो दूसरे दिवस नींद नहीं आती। मैंने अपने ही आश्रम में लोगों को बिलख बिलख के रोते हुए, क्या हुआ भैया, कुछ तो बताओ, कुछ बताते नहीं थे। बहुत बाद में पता चला कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई और गुरुदेव भगवान को, ठाकुर जी को थोड़ी अस्वस्थी हो गई उससे। वो बिलख बिलख के फूट फूट के रोते थे ठाकुर के पास, और ऐसा दृढ़ संकल्पित होते थे कि जो हो गया सो हो गया, अब प्राणवंत होके करेंगे। आपके 24 घंटे के आचरण बताते हैं कि आप में क्या परिवर्तन है। आपका कैजुअल लिविंग, कैजुअल बातचीत, कैजुअल खाना पीना, हॉस्टल की तरह जीना, एक्चुअली दिस इज नॉट हॉस्टल, आश्रम। हॉस्टल मैकालोय का है, अंग्रेजों का है, आश्रम बटुक साधक, ये हमारे सनातन संस्कृति की पद्धति है। एंड हम सब यहां पर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और उसके एकदम मॉडल बनने के लिए आए हुए हैं, ये हॉस्टल लाइफ जीने के लिए थोड़ी आए हुए, ये तो बिल्कुल हमारे एथिक्स के खिलाफ है। एक तरफ खड़े हैं वाल्मीकि, एक तरफ खड़े हैं विश्वामित्र, एक तरफ खड़े हैं वशिष्ठ, एक तरफ रिभु अंगिरा गालव चैवन्य, और एक तरफ खड़े हैं मैकोले लॉर्ड कर्जन, ये सब लोग खड़े। आपको किसकी व्यवस्था को अपनाना है? आप राम और कृष्ण की संतानें हैं, ये हॉस्टल लाइफ, ये रैगिंग लाइफ, ये स्कूल और कॉलेज का लाइफ, ये नहीं चलता है आश्रमों में, स्कूल शब्द ही नहीं आश्रम में, विद्यालय, विद्या का आलय, स्कूल शब्द तो है ही नहीं हमारे यहाँ ना, स्कूल फिस्कूल हम बोलते भी नहीं, स्कूल सही भी नहीं है, बता दो, स्कूल तो हिंदी में सकूल लिखा रहता है, आधा सकूल सकूल, उसको हरियाणा वाले ठीक बोलते हैं, सकूल चले, सकूल जा रहे हो, स्कूल भी नहीं बोलते, सकूल ही बोलते हैं,
बोला ये तो स्कूल है, बोला ई ई कहाँ लिखो है, तेरे माथे पे लिखो है, ई तो दिख नहीं रहा है, स्कूल है तो स्कूल बोलेंगे, स्कूल है तो स्कूल इत्यादि से हमें कोई मतलब भी नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं मैं। हम विद्यालय गुरुकुलम, गुरुकुल, गुरुकुल, मजे की बात देखो, कुल का अर्थ होता है समूह और गुरु का अर्थ गुरु, गुरुकुल का अर्थ लोग समझते हैं कि जहां चेला पढ़ते हैं, माय डियर उसका नाम है गुरुकुल, दैट मींस गुरुओं का समूह रहता है वहां पर। एक और इन्वेंशन शब्दों की मर्यादा को, गुरुकुल, गुरुकोटि के लोग जहां रहते हैं, गुरुतुल्य लोग जहां रहते हैं, गुरुओं का समूह जहां रहता है उसको कहते हैं गुरुकुल। हमारी परंपरा गुरुकुल की है, हमारी परंपरा विद्यालय की है। हॉस्टल से भी बदतर लाइफ जीना, बाहर निकले सिगरेट पी लिए, बाहर निकले गुटखा पा लिया, बाहर निकले कुछ पी लिया, बाहर निकले रास्ते से कुछ भी चला जा रहा उठा के खा लिया, बाहर निकले पता नहीं कहां से क्या खरीदा, क्या इनहेल कर लिया भीतर में, न हमने भोग चढ़ाया ठाकुर जी को, न तुलसी दल दिया, न ठाकुर को भोग लगाया कि हे प्रीतम ये आपके लिए है, पहले भोग ग्रहण करो और अब ये प्रसाद बने तो मैं पाऊं। सारी वृत्तियां जस्ट लाइक इविल देविल, एक राक्षस की जैसी वृत्ति होती है, हमारी सारी वृत्तियां वहीं, जहां खरीदा वहीं खा गए, जहां लिया वहीं ढकेल गए। बिहारी जी के मंदिर भी जाते हो, बिहारी जी के मंदिर के बाहर में इतने इतने वस्तु मिलते हैं, तो पहले बिहारी जी को भोग लगा दो फिर पाओ, नहीं दुकान वाला कहता है भोग लगा, दुकान वाला बोलेगा भी क्या बेचारा, कितना भोग लगाते होंगे वो प्यारे लोग, और कुछ कुछ लगाते भी होंगे, हम कैसे मना करें, कुछ हो सकते बहुत अच्छे लोग। पर आज के इस बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आज के इस इकोनॉमी युग में कहां भोग, कहां ईश्वर, कहां परमात्मा, कहां बिहारी जी, कहां राधा रानी, ये सब पोस्टर हैं, पोस्टर चिपका के हमें धंधा करना है, हमें व्यापार करना है। बिहारी जी से प्यार हो तो तुम्हारा व्यापार भी प्यार है, और बिहारी जी से अगर प्यार नहीं केवल व्यापार है तो बिहारी जी से प्यार भी व्यापार है, ध्यान देना, बिहारी जी से प्यार है, ईश्वर से प्यार है, धर्म से प्यार है, भक्ति से प्रेम है, तो तुम्हारा व्यापार भी भक्ति है, तुम्हारा व्यापार भी सत्कर्म है। मैं दूसरे की बात क्या कहूं, जब जब सदन की बात करता हूं, सदन कसाई के, तो मांस भी बेचना उनके लिए, बताओ ठाकुर जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया था भाई, ये कथा तो है ना कि सदन कसाई के तराजू पर बटखरा बन के ठाकुर जी लटक के झूलते थे, और एक सन्यासी जब संत आकर के ले गए, अरे मूर्ख तू मांस के बगल में ठाकुर जी को रखता है, सो दो तीन दिन ठाकुर जी रहे, उसको स्वप्न दिए बाबा जी को, बाबा जल्दी पहुंचा वहां पर, बोला कहां, बोला वो झूला पर, बोला झूला नहीं तराजू है, बोला उसी पे आनंद आता है हमको, उसी पे हम झूलेंगे, क्योंकि वो बड़े सच्चरित्र थे। और जब सुना, देखो परिवर्तन कैसे होता है उंगली माल की तरह, जब सुना सदन कसाई ने कि ठाकुर जी ने साधु के पास रहने से इनकार कर दिया, और मैं इतना निकृष्ट हूं कि मांस के बगल में इनको रखता, और उनका जीवन परिवर्तित हो गया, छूट गए मांस बेचने, और ये बोला मुझे व्यापार ही करना है तो इस प्रकार का निकृष्ट व्यापार करूं मैं, मांस बेचूं। और एक पल में ठाकुर जी ने सदन कसाई के भीतर जो एक अवगुण थे उसको मिटा दिया, एक अवगुण को, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। अगर तुम प्रभु से सच्चा प्यार करते हो, गुरु से तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुम्हारे प्रयत्न सच्चे हैं, तो तुम्हारे भीतर कोई अवगुण टिक नहीं सकता, कोई भी, अगर सच्चा प्यार है तो। नहीं है तो रोज 5 नए अवगुण आश्रमों में रह के आ जाएंगे, ध्यान देना, तीर्थों में रह के रोज 10 अवगुण और पैदा कर लोगे, मंदिर जाके 40 अवगुण और पैदा कर लोगे, अभी तो 100 थे 140 हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा गुरुजी, कैसे करोगे, मंदिरों में जा करके मैग्नेट लगा के सिक्का निकालना शुरू कर दोगे डोनेशन बॉक्स से, क्या करोगे, कुछ पता है, कुछ खबर है, वहां जाके क्या करोगे, बोला ओ पुजारी जी का ऐसे करने से, वहां पर उनके ऐसे करने से वहां पर बढ़िया प्रसाद प्राप्त होता है, तो दो नंबरी रास्ता खोजोगे, और पता नहीं खड़े खड़ा फिर वहां पर पता नहीं क्या शुरू कर दो, आइए आइए दर्शन करा देते हैं, खुद आज तक दर्शन आपका हुआ नहीं है। मैं उन पुरोहितों की बात नहीं करता जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पुरोहित तो प्रणाम के योग्य हैं, पुरोहित का अर्थ होता है जो आगे का हित जानता है, पुरोहित जो अपने यजमान का आगे के हित को देखते हुए उनसे कर्म कराता है,
पुरोहित, वो तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। परंतु आप जाकर के फिर पता चला वहां पर कमाई का धंधा बना लिया आपने। जो सचमुच हैं वो सब प्रणाम के योग्य हैं। पंडित जी, पुजारी जी, सेवायत, गोस्वामी जी, सबको वंदन है, सबको नमन है, प्रणाम है। ठाकुर जी ने अपनी सेवा में उनको रखा है। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? परंतु ये तो आप आपको स्वयं जांच करना है, सेल्फ को, कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आप आश्रम में रहते हो तो आपको सेल्फ जांच करना है। मैं क्यों कहूंगा कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप इतने बड़े हो, इतने अच्छे हो, 2 मिनट के लिए अपने कमरे में चले जाओ, आंखें बंद करके विचार कर लो कि क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, बस आपको उत्तर मिल जाएगा। और शायद आप इसीलिए चिंतन भी नहीं करते, क्योंकि चिंतन करोगे तो हथौड़ी लगेगी इस सीने पे तुम्हें कि क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं, क्या यहां होना था, क्या हो रहा हूं, क्या बनने आया था, क्या बन रहा हूं। शायद तुम्हें चोट लगेगा। इसलिए मनुष्य बाहर तो देख सकता है, सिनेमा देख सकता है, दूरबीन लगा के दूर दूर तक देख सकता है, लेकिन इतना अभागा है कि खुद के भीतर नहीं देख सकता। इतना दुर्भाग्य है उस मनुष्य का, क्योंकि भीतर झांकेगा तो घबरा जाएगा। अंधकार, अनाचार, तुम जरा आंखें बंद करके झांको ना खुद को एक बार, अगर तुम हिम्मती हो तो, अगर हो तुम राधा रानी के सपूत हो तो झांको ना एक बार भीतर, आंखें बंद करो और याद करो, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। अपने ही कर्मों को याद करके रूह कांप जाएंगे तुम्हारे, अपने ही झूठ, अपने ही फरेब, अपने ही दुर्नीतियां, अपने ही कपट, अपने ही व्यापार मूलक जिंदगी, आहार विहार विचार, ये सब इतने दूषित नजर आएंगे, घबरा जाओगे। इसीलिए कई बार लोगों कहते हैं, ध्यान किया, बोला गुरु जी आंख बंद करते हैं तो पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा चीज आते रहता है। गंदा कुछ नहीं आता, तुम्हारा ही है, और आने दो, डरो भी मत। अगर ध्यान इत्यादि करते हो और कुछ गड़बड़ चीजें आती हैं तो आने दो। जैसे तुम यहां बैठे हो और सामने पिक्चर पे चल रहा है, 3D ही है, तो 3D में घोड़ा जब आता है ना, ऐसे ऐसे करते तो लगता है छाती पे आके चढ़ गया करके। वो कई आदमी तो गांव वाले पहली बार जब 3D पिक्चर आई थी ना, चश्मा पहन के देखने गए थे, तो बेहोश हो गए 4-5 आदमी। मारा ऐसे बॉक्सिंग तो उसको लगा कि हमारी थोबड़े पे लगा, गोली मारा तो लगा हमको गोली लग गई। एक ने तो हद हो गया, हीरो के लिए भोजन आया था, एक तो हाथ बढ़ा दिया कि इतना नजदीक है तो आज ना खाएं तो कब खाएं, आज तो खा ही लेना चाहिए। जब ये 3D पिक्चर आई थी तो ऐसी हालत थी, बताओ महाराज। मैं सत्य कहता हूं, एक बार आंखें बंद किया करिए, आपकी 3D आपको नजर आ जाएगी। आपको ही डराने लगेगा भीतर से, लेकिन डरना मत, वैसे ही फिल्म की तरह देखना, ये विचार हैं, तुम नहीं हो। ये ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये विचार तुम नहीं हो, ये तुम्हारे विचार हैं, मन के स्तर से उठे हैं, बुद्धि के स्तर से उठे हैं, इंद्रियों के स्तर से उठे हैं, वासनाओं के स्तर से उठे हैं, इच्छाओं के स्तर से उठे हैं, पर ये तुम नहीं हो। तुम कौन हो? शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तुम चैतन्य हो, तुम दर्शक हो। ये विचार पिक्चरों की तरह हैं, सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं, 3 घंटे बाद बंद, खत्म, हमें क्या लेने देना। तो विचार भी अगर ध्यान के क्रम में आए तो ये समझो विचार हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, विदा हो जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, जोर मत लगा करो। ये अरे कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं, अरे हमको राम क्यों नहीं देख, कुछ मत दिखने, जो दिख रहा है वो देखो। पैसा लगा के आदमी सिनेमा देखता है, तुमको फ्री में दिखाई पड़ रहा है, फिर भी नहीं देख रहे। आंख बंद करो, जो दिखे वो देखो। बस धीरे धीरे पाओगे वो सारे जितने भी गर्हित विचार तुम्हारे सामने थे वो सामने आए, चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, और एक दिन इस आज्ञा चक्र पर पता नहीं तुम्हें क्या दिख जाए, और वो मौज ठहर गई, शिव का 3रा नेत्र खुल गया, अगर ज्ञान नेत्र, सांभवी मुद्रा लग गई तो बात बन जाएगी माय डियर। लग जाए तो बत करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सेल पर परत निशान। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने जा हम तुमसे कभी न जुदा होंगे, ऐसे ही कोई गाना है शायद, बताओ। वो एक प्यार करता है एक लड़के लड़की में, तो वो ये गाना गा रहा है, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे,
ऐ जान वफा जिसे न कभी हम जुदा होंगे। एक साधारण शरीरों के प्रेम में वो कह रहा है कि 100 बार जन्म लूंगा तुमको पाने के लिए। बताओ 100 बार इस शरीरों के आकर्षण में 100 बार जन्म लेने को तैयार है, पर ऐ जाने वफा तुमसे हम दूर नहीं होंगे, और एक तुम हो, कमरा छीन लूं तो भाग जाओगे। क्या हुआ? हमारे कमरा में 2 आदमी को और घुसा दिए गुरुजी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐ जाने वफा जुल्म न कर। ये क्या है? तुम्हारी इतनी सी सुविधाओं पर अगर तुम्हारे ही साधना के वर्धन के लिए, तुम्हारे ही जीवन में आनंद और आह्लाद के लिए अगर कोई मार्ग तुम्हें दिखा दिया जाए तो तुम घबरा जाते हो, विरोध में आ जाते हो, विपक्ष में आ जाते हो। क्या यही प्यार है? ऐसा सिनेमा एक आया था ना, उसको देख लेना, मत देखना भाई और गड़बड़ हो जाओ। हमने पूछा क्या यही प्यार है जो तुम्हारे ही जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ ले जाने वाले सदगुरु, तुम्हारा जीवन जीवनानंद बन जाए, तुम्हारा जीवन जलती हुई दीपक बन जाए, स्वयं प्रकाशित, लोगों को प्रकाश, मंदिर में प्रकाश, मंदिर की आरती। अब बताओ तो कितना दीपक का, अमावस्या में दीपावली, कितना महत्व है दीपक का। जो दीपक तुम्हें बना रहे हैं, जो स्नेह और प्रेम के घी से तुम्हें भर रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर में तंत्र अर्थात जो तुम्हारा सिस्टम है उस सिस्टम को बदलकर उबाती बना रहे हैं, और जो ज्ञान के रूप में अपनी वाणी की अग्नि से तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं, उनको तुम शत्रु की तरह देखते हो। जो तुम्हें दीपक बना रहे, जो तुम्हें सूर्य के समान बना रहे, कैसा दुर्भाग्य है तुम्हारा। न अपनों को पहचानने की क्षमता है तुम में, न परायों को, न दुश्मन पहचान सकते हो, न तुम मित्र पहचान सकते हो। इस दुनिया में जितने भी मंथरा टाइप के लोग हैं वो तुम्हारे मित्र हैं, रामराज में आग लगाने वाले लोग तुम्हारे मित्र हैं, और जो तुम्हें ज्ञान देने के लिए आता हो उसके भीतर तुमको अष्टावक्र दिखाई देते हैं कि बड़ा कठोर बोलते हैं, अपने तो यहां रहते हैं हमको रहने नहीं देते, 8 जगह से टेढ़ा तुमको गुरु दिखाई पड़ेगा, अष्टावक्र। गुरु अष्टावक्र होते ही हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि गुरु अष्टावक्र नहीं होते, तुम्हारी निगाहों में खोट है इसलिए वो 8 जगह से टेढ़े नजर आते हैं। वो तो बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सीधे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने, क्या कहा अष्टावक्र ने जनक से, अरे मैं तो सोचा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूं, मुझे क्या पता है कि जूता बनाने वालों को बीच आया हूं जो सिर्फ चमड़ों को पहचानते हैं। तुम्हारे यहां पर बैठे सारे लोग मुझे देखकर हंस पड़े, मेरे कुबड़ को, मेरे विकलांगता को। मैंने सुना था जनक ज्ञानी है, मैंने सुना था जनक महाज्ञानी, और उनके कोर्टयार्ड में, उनके दरबार में केवल ज्ञानियों की फौज रहती है, पर आज आके पता चला कि हे भगवान, यहां ऐसे लोग रहते हैं जो चमड़े से ऊपर नहीं उठ पाए। इनकी दृष्टि चमड़े तक है, कपड़े तक है। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठे हुए आत्मज्ञ महापुरुषों के बीच में आया था सुनकर जनक आत्मज्ञ है। पर हे जनक, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, और हे जनक, मुझे लगा कि तुम भी वही हो, और तब जनक गिर गए चरणों में। ओह, मुझे क्या आप आत्मज्ञान करा सकते हैं? बोला 1 सेकंड में करा सकते, ऐसे चुटकी बजा के, जैसे तुम लोग कहते हो ना चुटकी बजा के आश्रम बना सकता हूं, हाँ ऐसे ऐसे 500 आश्रम चुटकी बजा के बना सकते हैं। तो वो जनक ने क्या कहा कि हाँ करा सकते हो? बोला हाँ करा सकते हैं। तो बोला ठीक है, टाइमर वॉच दबाओ, टक 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 1 2 3 4 टाइमर टीवी में खोला, बोला उठ जल्दी उठ, हाँ बोला वहां जहां तेरे सब नौकर चाकर जूता खोल के बैठे जाकर वहीं बैठ। राजा खुद बैठ गए अष्टावक्र सिंहासन पर, ऐसे करके कल्याण भव। जनक को बोले जूता के पास बैठ जाओ, जूता चप्पल। जनक के ही कोर्टयार्ड में, जनक के ही दरबार में, जनक के जो दरबारी नौकर चाकर सेवक भृत्य अमात्य, इन सब के पादुकाओं पर जूते और चप्पलों पर बोला जाके बैठ वहां पर गेट के ऊपर जा। और फिर वहीं पर कुछ घटना घटी, और जानकर आश्चर्य होगा कि जनक जी को ज्ञान जूते के ऊपर ही हुआ है। जूता कोई मामूली चीज है क्या? जूता बनाते हमारे रैदास जी, और तो और तुलसीदास जी यहां आए वृंदावन में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैठे थे पंगत में, अब खीर चलने लगी अंतिम में, कोई दोना पत्तल उनके पास नहीं था,
तो एक जूती लेके बैठ गए और कोई आके बोला महाराज ये क्या कर रहे हो, बोला इसमें खीर दे दो। अच्छा ये नाभादास जी की बात है, भक्तमाल का ये बात है। तुलसीदास जी को सब खोज रहे थे पर पहचान में नहीं आ रहे तुलसीदास कौन है, वो चुपचाप भीड़ में छिपे हुए थे। सोई जैसे जाके किसी ने कहा कि महाराज एक अजीब संत आया हुआ है, कह रहा है कि पनैया में दे दो, जूती में हमको खीर दे दो। सोई दौड़े और दा के पकड़ लिए, अरे बोला ये तुलसीदास हैं, मैं पक्का पहचान लिया। क्यों? बोला ये जितने भी लोग यहां आए हैं भक्त बड़े भगवान से, ये जितने भी साधु संत आए हैं उनकी पनहिया है। अरे साधु संत का सारा कृपा तो उनके चरण में होता है और चरण के सारे रज इस पनही जूते में होती है, मुझ में ये अगर खीर प्रसाद मैं ठाकुर का इसमें पा जाऊं तुम्हारा दिया हुआ, और संतों के चरण रज इसमें मिले हुए हो, तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाए और राम आज ही प्राप्त हो जाए तुलसीदास को। जूती आगे कर दी महाराज, तुम्हारे पत्तल फटे हो तो तुम कहते हम यहां नौकरी करने आए हैं क्या? पत्तल फटा है, थाली का ठिकाना नहीं है, ग्लास ठिकाना नहीं है, इससे बढ़िया तो उधर ही होता, फलाने आश्रम में कितना बढ़िया मिलता है, वो बाबा जी हम के पास गए थे कितना अच्छा भोजन मिलता है। तुम बाबा के पास भोजन के लिए जाते हो बोलो, वहां हम जाते हैं तो हमको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, तुम संत के पास प्रतिष्ठा के लिए जाते हो बोलो। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा क्या है? सूकरी की विष्ठा है। जब तक इससे ऊपर नहीं उठोगे तब तक इष्ट निष्ठा नहीं होगी। जिसकी प्रतिष्ठा में अभी तक प्राण अटकी हुई है, इष्ट निष्ठा, इष्ट का अर्थ मंगल होता है, इष्ट का अर्थ राम होता है, इष्ट का अर्थ कृष्ण होता है, इष्ट का अर्थ ही राधा रानी। इष्ट के प्रति निष्ठा तब तक संभव नहीं है जब तक प्रतिष्ठाओं में अटके हुए हो, और तुम तो प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा में अटके हुए हो। बात बात में तुम्हारी प्रतिष्ठा हनन हो जाती है, एक बात कोई कह दे तो प्रतिष्ठा में हनन हो जाती है। सात आदमी का बैठने का जगह है भोजन प्रसाद में, और तुम थोड़ी देर में पहुंचो बैठने का जगह न मिले तब तुम्हारी प्रतिष्ठा हनन हो जाती। बगल वाला जाकर के वो सब्जी में एक आलू कम पड़ जाए तब तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। बताइए इतनी प्रतिष्ठा हमारी कम है, एक आलू कम, ऐसा लग रहा है आलू से भक्ति मिलने वाली है। आलू रूपी भक्ति कब तक प्राप्त करोगे बोलो? इसलिए मार्ग बहुत कठिन है डगर पनघट की, पर प्यारे जब तक गुरु जिंदा है झटपट भर लाओ जपना से, नहीं तो भिखारियों की तरह घूमते रहोगे। कोई माई का लाल भक्ति नहीं दिला सकता, कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहां ते पाऊं, मेरे गुरु भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, याद रख लेना। मेरे गुरु भी कुछ नहीं कर सकते, मेरे गुरु मेरे लिए करते, मेरे तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए करेंगे। तो ये भाव जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं है तब तक अभाव युक्त जीवन में रोज विषाद होगा, क्लेश होंगे, रोज तुम्हारी नई नई पीड़ाएं घाव बन करके शरीरों पे उभर आएंगी, रोज तुम्हारे मन घायल होते रहेंगे, रोज तुम्हारे विचारों पर जख्म ही जख्म होगा। कितनी सर्जरी करवाओगे, कितने मलहम लगवाओगे, एक दिन पूरे शरीर में मलहम ही मलहम नजर आएगा, सर केमिकल हो जाएगा शरीर। बंद करो ये घावों का होना, घाव के लिए नहीं, वृंदावन में हम घाव लेने के लिए नहीं, वृंदावन में राधा कृष्ण के भक्ति का भाव लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। काहे को इतना घाव ले रहे हो भैया, किस लिए, किस लिए इतने घाव इतने जख्म लेके बैठे हो, किस लिए? मिटा दो इसको गुरु की वाणी के सुंदर लेप से, आयुर्वेद का लेप है ये, मिटाते जाओ एक एक घाव को, भरते जाओ कृष्ण और गुरु प्रीत के भाव को, बस बात बच जाएगी। जिनका थोड़े थोड़े बातों में गुरु से संत से भगवान से मन उठ जाता है, मन उचट जाते हैं, जिनकी छोटी छोटी बातों में 380 डिग्री का कोण बन जाता है उनका, 180 डिग्री पे यू टर्न लेने के लिए सोचने लगते हैं, उनका मंगल संभव नहीं है, उन्हें बहुत प्रयत्न करने होंगे। और प्रयत्न तुम करोगे तो काम बन जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहां तो उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि ब्रह्म जैसे बन गए, रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, तुम क्यों नहीं बनोगे? क्या तुम इतने भी गए गुजरे हो? क्या तुम्हारे भीतर में कोई सद्गुण नहीं? क्या दुनिया के सारे अवगुण तुम लेके बैठे हो? तुम में भी बहुत गुण है, तुम भी कृष्ण की संतान हो, तुम भी राम की संतान हो। अपने माता पिता और पूर्वजों के दिए सनातन संस्कृति
वैदिक संस्कृति का रक्त है तुम्हारे भीतर, हेरिडिटी है, अनुवांशिक गुण है तुम्हारे भीतर, गुरुओं के प्रताप, संतों के प्रताप तुम्हारे साथ। भारत की मिट्टी विश्व गुरु की मिट्टी है, भारत की मिट्टी सनातन की मिट्टी है, भारत की संस्कृति सबसे उत्तम और उन्नत है। तुम यहाँ जन्म लिए हो, यहाँ पले हो, यहाँ बढ़े हो। नदी के किनारे जन्म लेने वाले केवट के पुत्रों को तैरना बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, वो आधा सीखे हुए ही आते हैं। एक दिन पिता ऐसे उठा के फेंक देते हैं नंगा, और करते करते सीख जाता है, क्योंकि उसके भीतर हेरिडिटी है तैरने की। तुम भी उस भारत में जन्म लिए हो जहां पर आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। भारत की भूमि और मिट्टी और हवा और पानी ऐसी है कि यहां पर कोई यत किंचित गुरु के कहने पर इतना सा प्रयास कर ले तो कब ऋभु अंगिरा और वाल्मीकि बन जाए कुछ ठिकाना नहीं। यहां तुरंत परिवर्तन संभव, यहां न हुआ तो कहां होगा, अब न हुआ तो कब होगा। और ऐसे भी वृंदावन तो एक ऐसी जगह है जहां ज्यादा ये सब काम नहीं करता, ये तंत्र फंत्र, यहां तो राधे राधे ही सबसे बड़ा मंत्र है। हाँ, यहां तंत्र लेकर के ओम ऐंग भड़िंग क्रिंग करते रह जाओ, कुछ नहीं होना है। चूहा बन जाओ तो पता चला हाथी बन गया, और बड़ा बन जाएगा। यहां कुछ नहीं चलता, तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं चलता। मंत्र तो चलते हैं, मंत्र का अर्थ होता है मन्ना त्रायति इति मंत्र। जो मन में विभिन्न प्रकार के कोड़ हैं, मन में अत्यंत गर्हित विचार हैं, मन जो हमको उलझा के रखा हुआ है, मन जो हमको हैरान परेशान करके रखा हुआ है, उस मन को त्राण दे देना, उस मन को छुटकारा दे देना, उस मन के बंधन से मुक्त कर देना, उसका नाम ही मंत्र है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने लिखा था कि इस दुनिया में सदगुरु आदेश के सिवा दूसरा कोई महामंत्र न था, न है, न रहेगा। वही सबसे बड़ा महामंत्र है, सदगुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी महामंत्र है। ये कोई एक महामंत्र से काम नहीं चलेगा, याद रख लेना, ध्यान रख लेना। ये हमारी गुरु की वाणी है, सबसे बड़ा महामंत्र सदगुरु की वर्तमान की वाणी क्या है मेरे लिए, वही महामंत्र है। बोला क्या मंत्र जपते हो, बोला गुरु वाणी पीता हूं। कौन सी पानी पीते हो, बोला गुरु वाणी पीता हूं। कौन सा रस पीते हो, बोला गुरु वाणी का रस पीता हूं। हमारा तो मन ही था, हमने तो एक जब आज के 3 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं जिसमें लोग वाणियां लिखा करते थे, मैंने अचानक रात में एक दिन उसका नाम चेंज कर दिया, गुरुवाणी का। मैंने लिखा गुरुवाणी ही राधा रानी, गुरुवाणी ही राधा रानी। गुरुवाणी में जिसकी निष्ठा है, राधा रानी उनसे दूर कहाँ, किशोरी उनसे दूर कहाँ। तो याद रख लेना, ये राधा रानी मनमौजी है तुम्हारी। मन में आया तो लस्सी पी के राधा राधा कर रहे हो, और मन खराब हुआ तो बाधा बाधा रटोगे कुछ दिन के बाद उधर जाके, फिर कहोगे आधा आधा, बोला आधा इधर आधा उधर। लेकिन अगर गुरुवाणी से तुम्हारा निरंतर संयोग है, निरंतर प्राप्त हो रहा है, तो राधा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। भक्ति, सम्मति, सुनीति, सुविचार, और वो आ गए तो फिर नंदघर। ये सब हम लोग नंद हैं, क्या है हम लोग, नंद, ननद, ननद भौजाई के बीच में जैसा रिश्ता रहता है ना, नंद भौजाई, तो ननद हैं हम लोग। तो ये नंद जो हैं, नंद, ये सब आनंद में बदल जाएगा। अभी नंद हैं, ननद, अब उसमें आ लग जाएगा, आनंद 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 आनंद, आराम आराम आराम, समझ रहे हो। तो ये जीवन बन जाएगा, शांति, स्वस्ति, आनंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। प्रभु प्रीतम आप सबों के ऊपर निरंतर अपनी कृपा दृष्टि और कृपा वृष्टि बनाए हुए हैं। अपने अपने बोतल का ढक्कन खोलिए, ये जो बोतल है ना, बोतला आनंद गिरधारी। हमारे यहाँ स्कूल में जब नाराज होते थे, अब तो अब समझ में आया कि ब्रज में तो ये ठीक नहीं बोलते थे, रे बोतल आनंद गिरधारी, न लोटा है न थारी, कह के पटाक पटाक 4 थप्पड़। हम कह रही ऐसे टीचर थे हमारे महाराज, बोतल आनंद गिरधारी, जिसको लोटा है न थारी, ताड़ ताड़ ताड़, हम के हो गया काम। तो ये बोतल जो है ना, अपने अपने बोतल, इसके कार्क को खोलो ऐसे करके। पेप्सी तो बहुत खुला होगा, टेस्टी थंडर थम्स अप। बियर तो बहुत खुले होंगे जिंदगी में, न जाने क्या क्या खुले होंगे। अब जरा इस बोतल को भी खोलो, बोतल,
और इस बोतल में गुरु रस भरने दो, राधा रस भरने दो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, तो वो राधा का रस अब आने दो। और इसी माध्यम से संभव, निरंतर सत्संग करो, बैठो, सुनो, समझो, आगे बढ़ो। जो लोग नहीं सुनते उसका एक ही कारण है कि वो कायर लोग, समझ गए, कायर नहीं सुन सकते। क्यों? सदगुरु मेरा सुरमा, सुरमा की बात कायर कैसे सुनेगा? सुरमा जहां आएगा कायर भागेगा। तो गुरु जहां बैठता है और अपनी वाणी को लेकर, तो कायरों में खलबली मच जाती है। तो कोई कायर स्कूटी का टायर लेके भागता है, कोई झूठ मूठ का प्लास लेकर के वायर ठीक करने लगता है, ये सब कायर हैं। गुरुवाणी के समय स्कूटी के टायर, कार के टायर, इधर का वायर, ये सब जितने भी हैं ये सब कायर लोग हैं। वास्तव में सूरमा वो है, गुरु की वाणी यहाँ छाती पे लगती है। क्योंकि जो जो अपराध हम किए रहते हैं, जो जो गलतियां हमारे भीतर में होते हैं, गुरुदेव चुन चुन के मारते हैं। गब्बर मैं आ रहा हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा वीरू की तरह। और वो चुन चुन के मारते हैं तुम्हारे भीतर में, जहां जहां कायरता छिपी रहती है, जहां क्रोध है, जहां लोभ है, जहां मोह है, जहां भगवान से दूर जाने की वृत्ति आ रही है, चुन चुन के निशाना लगा लगा के मारते हैं। इसलिए कायर लोग भागते हैं पर सूरमा लोग बैठे रहते हैं। ऐसे करके दो मिनट के लिए तो तड़फड़ाहट होती है, हम ही को बोल रहे हैं, हम ही को बोल रहे हैं, हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तुम ही को बोल रहे हैं, अब बताओ। एक बाबा को एक बुढ़िया माई बहुत गाली दे रही थी, बोले ये बहुत खराब है जाके वो हम सब जाने, खूब गाली देवे। तो बाबा अपनी इज्जत बचाने के लिए बोले, अरे हमको नहीं बोल रही है। सो उसको मौका मिल गया व्यासपीठ पे चढ़ने का, पकड़ के बाल चढ़ गए, बोले अरे तो ही बोल रही हूँ तू, तेरे को। बोला हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ तू मुझे नहीं बोल रही। बोला क्यों? बोला तू इस शरीर को बोल रही है, मैं हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। बाबा भी ऐसे ही महान थे महाराज। बोले मैं जानता हूँ मेरे शरीर को तू गाली दे रही, ये मैं हूँ नहीं। इस शरीर का बाल पकड़ ले, खाल नोच ले, मार डाल, पर मैं वो हूं जो श्री कृष्ण कहते हैं, न जलता है न जलती है, न कटता है न कटती है, न मरता है न मरती है। तो इस प्रकार की भावना रखिए, भक्ति से ओतप्रोत रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जब भी सत्संग में बैठिए तब खुश होके बैठिए, और जब भी उठिए तब भी आनंदित होके उठिए। आह आज तो मौज आ गया जी, कुर्ते में इतना दाग लगा था गुरुजी ने आला लगा लगा के धोया है। बताओ महाराज, ऐसा कोई वासरमैन मिलेगा तुमको? ऐसा धोबिया धोए चाहे, तुमको धो धो के तुम्हारे कलर को ठीक कर रहा हूँ, सुंदर कर रहा हूँ। जगह जगह दाग फाग लगाए हुए हो, कहीं स्याही लगाए, कहीं कुछ लगाए हो, हम धो रहे हैं तो हमारे ऊपर ही नाराज होता है। बताओ हमारा कुर्ता धो दिए, अभी स्याही धो दिया, कीचड़ धो दिया, तो खुश हो जाओ, कुछ दे दो हमको, दक्षिणा दे दो कि गुरु जी आपने तो धो दिया हमारा, तो हम भी नाराज होते हैं। गुरुजी ने ऐसा कर दिया। बैठो तब खुश होके बैठो, और उठो भी तब खुश होके उठो। और याद रखो तुम्हारे हाथ में जो कुछ है उसका सत के लिए प्रयोग करो। माँ हो तो बच्चों को प्रहलाद बनाओ, प्रहलाद हो तो बाप की सदगति करवा दो, भगवान बुलवा दो। प्रहलाद ने कोई गलत नहीं किया था, बोला इसका सदगति तो होना नहीं, भगवान हाथ है उसको मरवा दें तो ये बैकुंठ पहुंच जाएगा। सोई बुलवा करके भगवान के हाथों मरवा दिया उनको। तो कुछ भी हो तुम अच्छे काम करो, अच्छी चीजों को बांटो और अच्छी चीजों को समझो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, दूर ले जाओ, ले जाओ, एक किंडर गार्डन नहीं है, ले जाओ हटाओ। तो महाराज जी तो बड़े कड़े हैं, बताइए बच्चों में भगवान होते हैं? हाँ भगवान होते हैं, अभी चार साल के बाद सारा भगवान नजर आ जाएगा घर में। भगवान तो हैं ही, राक्षसों को आए हैं ठीक करने, घर में जितने राक्षस हैं ना उसको ठीक करने आए हुए, भगवान ही हैं। बच्चे सब भगवान ही होते हैं, बड़े होकर के वो घरवा में जो राक्षस रहते हैं उन्हीं को ठीक करते हैं पहले। भगवान का काम है राक्षसों को ठीक करना, और किसको ठीक करेंगे? फिर वही माता, वही पिता, वही लोग नाक पकड़ पड़े, हमारा बेटा। अरे तो आप भगवान आए हैं ना, तुम ही कहते भगवान आए हैं, राक्षस तुम हो, तुम्हारा ठीक ठिकाना लगा रहे हैं वो। सब बच्चे भगवान हैं, और बड़े होकर के ये जितने राक्षस रूपी हैं उनका सब इलाज करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक ना? अब बढ़िया लग रहा है ना?
बच्चे भगवान होते हैं, बहुत अच्छा, हम भी आपके साथ। ज्ञान लो और ज्ञान दो, ज्ञान लो और ज्ञान दो, ऐसा करो। बच्चों को प्यार करिए और प्यार में भी जिद्दी मत बनाओ, क्योंकि देखो वो जिद्दी बनेंगे ना तो वो सब तुमको ही ताड़का पूतना बनाने वाले। और हमारा क्या बिगाड़े बताओ, हमारा क्या बिगड़ना है, हमको कितना बार मिलना है बेचारे से, किसी बच्चे से। अब तो जितने बच्चे थे वो चच्चे हो गए, जिन जिन बच्चों को मैंने लिया था वो चच्चे हो गए सब। तो अब क्या बार बार हम ही को बच्चों से मिलना है क्या? अब कौन बच्चा, इतना छोटा बच्चा जब तक इतना बड़ा होगा हम निकल लेंगे, चल कंवरिया बोल बम, अपना अपना रास्ता देखेंगे। तो बाकी जो लोग रहेंगे ना उन्हीं का वो बच्चा चच्चा कच्चा सब करेगा। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ये 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 एक ऐसी चीज, इस पर कभी कल करेंगे प्रवचन कि बच्चों के ऊपर कैसे करें, क्या करें। खैर उससे क्या मतलब है, कोई करे ना करे हमको भी क्या मतलब, अपना कौन है कि क्या करना है, आगे नाथ न पीछे पगहा, हमें कौन सा है। बन गए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं बने तो और अच्छी बात, बन गए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं बने तो हमको कहना होगा देखे उसका बेटा नहीं बना, कहने हमको भी तो कुछ चाहिए कहने के लिए। तो ये सब हम भी कहते रहेंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और ज्ञान के दिशा में लगे रहिए। ज्ञान ही तुम्हें कष्टों से मुक्ति दिला सकता है, गुरु की कृपा गुरु का ज्ञान है, उनसे निरंतर आहरण करो, आगे बढ़ो, भजन करो, सत्संग करो और जाकू देखो ताते कहो कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। चौदह तारीख से दाऊ जी में भागवत है, यहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन है, हम भी बैठेंगे, दाऊ जी कहेंगे, हम सुनेंगे, दाऊ जी हमारे भीतर से कहेंगे और दाऊ जी सुनेंगे, और किसको सुनना है। तो वहाँ कथा होगी, आप सब भी आमंत्रित हैं। 3 बजे से है ना, 3 बजे से संध्या 7 बजे तक दाऊ जी बलदेव गोकुल के पास, अति प्राचीन मंदिर जहाँ पर औरंगजेब भी हार गया था, मधुमक्खियों ने डंक मार के भगा दिया, दाऊ जी की ऐसी सेना थी, कुछ कर ही नहीं पाया वहाँ पर। तो ऐसे दाऊ जी के कृपा से वहाँ पर भागवत का आयोजन, हम सब मिलकर खूब दिव्य आयोजन को वहाँ संभालेंगे। उचित क्या क्या होगा, हमको तो बस आनंद करना है, जाना है दंड लेके बैठ जाना है ऐसे करके, और 2 श्लोक पढ़ करके अपना देह दनादन भारतीय संस्कृति के ऊपर भागवत के सूत्रों के अनुसार भारत की रक्षा, अपनी रक्षा कैसे हो, उस पर निरंतर भक्ति कैसे वर्धन हो, इस पर चर्चा हो। बल दाऊ जी बल के देवता हैं, तो वहाँ बल ही का चर्चा होगा ज़्यादा, बल, हाँ वहाँ ये सब ज़्यादा, बल बल दाऊ, बल राम, बल भद्र, तो वहाँ केवल बल की चर्चा होगी। वहाँ मुगदड़ गदा चलेगा बढ़िया सुंदर, कैसे देश बचना बचाना है। तो आप सब आएंगे और 7 दिनों में 1 दिन जरूर पहुंचिए वहाँ पर, बड़ा भगवान का दर्शन होगा, अद्भुत होगा। जो लोग जहाँ हैं जैसे हैं सब आइए, इस सूचना को और दूर दूर तक दीजिए अपने सूचना माध्यम से। तो आप सब अपने अपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जारी करें। अभी हम पर रोक लगाए होंगे, तुम लोग को थोड़ी जान रहे हैं, तुम लोग बढ़ाओ, सोच रहे होंगे कि इनको रोक दिए तो तुम लोग बढ़ा दो उधर करके, और हमको रोके रहे, हाँ रोक दिए, बोला ये बात तो आगे चलेगी, बोला अरे जगन्नाथ को हाथ नहीं, उनके इतने हैं कि सब आगे बढ़ा दिए मामला को, आप रोके रहिए यहाँ पर, रोकने से क्या होगा। इस पे भी सब ध्यान देते हुए खूब आगे बढ़िए, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया, सोशल माने सामाजिक, तो इस पे सामाजिक कर्म ही होने चाहिए, धार्मिक असामाजिक कर्म तो नहीं होना चाहिए। नाम है सोशल मीडिया, आधा से ज़्यादा सब एंटी सोशल काम करते हैं इस पर, इसलिए सोशल धर्म के काम इस पर ज्यादा हो, नाम ही है हम लोग, हम ही लोगों के लिए बना है ये सोशल मीडिया।
यह अधर्म वाले लोगों के लिए थोड़ी बना हुआ है, सोशल नाम है इसका, सामाजिक असामाजिक लोगों के लिए नहीं बना है। तो हम लोग प्रयोग नहीं, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं क्या? हाँ तो क्या करें? नहीं नहीं क्या करें बताइए, क्या चीज का प्रयोग करें? पत्थर ले आए एक ठो, अब पत्थर से क ख ग घ लिखे, अभी पुराने जमाने के अनुसार क्या लिखे बताओ? मोबाइल है नए गैजेट्स हैं, उसका प्रयोग करना है, तुम भी करो, हम भी करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मैं कॉलेज वाली शिक्षा व्यवस्था, हम भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, तो हमको भी ये सब आता है। हम चाहते हैं कि इन सब चीजों से अच्छी चीजों का प्रसार हो, प्रचार हो। फिर वही अंतिम बात कहते हुए, गुड़ खाएंगे पर गुलगुला से परहेज करेंगे, हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हम ये सब सोशल मीडिया वीडिया क्या जानते हैं, हमको तो मोबाइल कुछ आता नहीं है। वाह हे भगवान, सच तो बोलो सभी, अस्पष्ट बोलो, अस्पष्ट कहो, अस्पष्ट रहो। सोशल मीडिया का प्रयोग धड़ल्ले से चल रहा है और होना चाहिए अच्छे काम के लिए, बस स्वीकार करो कि हो रहा है, कर रहे हैं। हमको तो कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं पता गोली कहाँ है, वो सब पता है गोली कहाँ, मारना किसको है। ये गब्बर सिंह बदमाश आदमी था ना, क्या बोला? हमको कुछ नहीं पता गोली कहाँ है, चुन लिया था तीनों को मारना है, मारा भी तीनों को, और कह रहा हमको कुछ नहीं पता। कई लोग ऐसे बोला, हमको जानते ही नहीं। कहा मीडिया क्या होता है बाबू, ये सोशल क्या होता है, ये मोबाइल क्या होता है बाबू, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट सब जानना चाहिए, सब जानिए, भगवान का ही दिया हुआ है। पहले भी टेलीपैथी थी, सब कुछ था, और नहीं है तो बैठिए 88,000 लोगों के बीच में बोलिए और आपका आवाज सुनाई पड़े, फिर हम देखें 88,000 ऋषियों के बीच में कथा चले, फिर सुनाइए, मैं बिना माइक के और बिना सोशल मीडिया के सुनाइए, फिर देखें हम। नहीं, नए चीज का प्रयोग करना चाहिए। हाँ तो फिर बताइए कि करते हैं। सुचिता रखिए जीवन में। मैं नौजवानों से भी कहता हूं, खूब प्रयोग करिए सोशल मीडिया का, सामाजिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, असामाजिक कार्यों के लिए मत करना, अफवाहों के लिए मत करना, गंदे चीजों के लिए मत करना, ये गंदे चित्रों के लिए मत करना, पर भगवान राम भगवान कृष्ण, जीवन स्वास्थ्य, हमारे विचार कैसे उत्तम हो, क्या क्या नई इन्वेंशन हो रहे हैं, कहां क्या शास्त्र अपलोड हुआ है, ये सब चीजों का प्रयोग करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इसका प्रयोग करना बुरा नहीं है, जो नहीं करते वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए, उनका सोशल मीडिया उनकी बगल वाली मंथरा नानी है काकी, वही उनकी सोशल मीडिया है। सुन ला बेटा, हाँ शर्मा जी के बेटी भाग गई लीन, अब देखो इनको, ये इनके सोशल मीडिया है, शर्मा जी के बेटिया भाग गए। आपके भी तो कोई ना कोई सोशल मीडिया है, क्या मतलब है ऐसे लोगों से बात सुनने से? इससे बढ़िया अपना सुंदर, मैं जैसे रखता हूं, कहां गया हमारा, और भाग गया क्या फोन हमारा, भाग गया कहीं से, चलो ठीक है, सुंदर एक फोन बढ़िया है, रखते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हैं, देखते हैं उसमें कोई चीज अच्छा लगे, ये भजन बहुत बढ़िया है, अच्छा ये जानकारी आज बहुत अच्छा प्राप्त हुई, अच्छा आज जरा अब कहां इतना इतना किताब लिखे, इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, पूरा विश्वास नहीं करते गूगल पर, गूगल लोग थोड़ा मुगल के भी बात मानते हैं, इसलिए सोच समझ के शास्त्रों के अनुरूप और अपने विवेक के अनुसार ही मारते हैं। और फिर एक बात तो है, पढ़ो कुछ भी, देखो कुछ भी, अनुभव तो अपना अपना है, इसके बिना तो काम बनता नहीं। गुरु को इसीलिए चलता फिरता शास्त्र भी कहा जाता है, महापुरुष को चलता फिरता शास्त्र कहा जाता है। बोला चलती फिरती लाइब्रेरी कौन है? बोला महापुरुष चलती फिरती लाइब्रेरी है। चल रहे हैं तो लाइब्रेरी चल रहा है, चल रहे हैं तो शास्त्र चल रहा है, चल रहे हैं तो महाराज पुराण इत्यादि चल रहा है। जरूरी नहीं कि सब पुराणों की जानकारी हम लोगों को, पुराण उराण आप लोग पढ़ते रहिए, जितने शास्त्री जी लोग हैं सब पढ़िए, जरूरी थोड़ी है। अनुभव की बात कहने आए हैं अपने जीवन में, जो अनुभव हुआ परमात्मा को पाने से, जो अनुभव हुआ परमात्मा के भजन करने से, जो मस्ती आ गई है, जो आनंद आ गया है, इप्रेशन डिप्रेशन टिप्रेशन टेंशन भेंशन सब पता नहीं कहाँ है, आज तक देखा नहीं, वो मौज का यहाँ पर चर्चा करते हैं, आपसे बताते हैं कि भैया ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। बहुत ज़्यादा आप भी परेशान मत रहिए, मौज में रहिए और सोशल मीडिया का प्रयोग धड़ल्ले से करिए, पर सत्य के लिए करिए, न्याय के लिए करिए, प्रेम के लिए करिए, धर्म के लिए करिए, गुरु की वाणी सुनने और सुनाने के लिए करिए। खुद सुनिए और लोगों को सुनाइए। आप लोग करते हैं ना, जरूर सुनते होंगे जो अपलोड होता होगा। इस सोशल मीडिया से क्या क्या एंटी सोशल काम कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक सेवा है। बटुक पढ़ते, बच्चे पढ़ते तो समाज को जागृत करते थे, तुम्हें इतना सहज मौका मिला अपने गुरु की वाणी को प्रचारित करने का, गुरु की वाणी को भेजने का। लेकिन कमाल है, दुख तुमको इतना है, तकलीफें तुमको इतनी हैं, पहाड़ है, पर तुमसे भगवत प्रचार नहीं हो रहा है।
तुमसे भगवान की बातों को दूसरों तक पहुंचाना नहीं हो रहा है, स्वयं भी सुनना नहीं हो रहा है। नियत में कहीं कहीं खोट लगता है साहब। नियत खराब हो न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी हो, हुए वो कोई आप में से कोई भी हो, ये काम अगर नहीं करते आपके नियत में खोट है, ये पक्का मान लो। आप यमुना जी में भी खड़ा होकर कहोगे तब भी मैं बोलूंगा नियत में तुम्हारा खोट है। तो नियत को ठीक करो, अच्छा करो, धर्म के काम करो, धर्म के प्रचार में लगो, खूब वाणी को। अब ये भागवत की बात जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतने लोग भागवत सुनेंगे, आनंदित होंगे। 24 घंटा में मौका नहीं मिलता बेचारों को, और जिनको नहीं भी आता उनको भी ऐसे मोबाइल लेके देखते हैं, ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करके कख गख नहीं जानते थे बीसी वो भी सीख लिए। अरे यहां हम ज्यादा दिन नहीं हैं, कुछ काम धांधा खोज दीजिए, खोज केच यू जी खोज दीजिए तो हमारा भी काम आई धमई जमाई होके रहती है। उल्टा पलटा लिख के खूब मैसेज कर रहे लोगों, वाह रे भाई, लेकिन भगवत प्रचार नहीं हो रहा। भगवान की बातों को कहीं सुन ही अनुमोदन कर रही है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, महास्वामी जी हैं जो रहते हैं, हमेशा कहते हैं बोला कहीं सुन ही अनुमोदन कर रही, जो कहता है सुनता है और अनुमोदन करता है वो फल उसको मिल जाता है। कह दिए तब भी, सुन लिए तब भी, और अनुमोदन कर दिए तब भी, और तीनों कोई कर दे तब, बताओ जी पहुंच गया ना टॉप पे। तो कह दिया सुन लिया, अब अनुमोदन कर दीजिए, कहीं भेज दीजिए। 50-60 आदमी तो यहीं रहते हो, इतना हम बकरी रखते, अगर मजाक नहीं कर रहे हैं, बकरी या बंदर अगर इतना रखते और बंदरों को एक महीना का ट्रेनिंग देते तो यकीन मानिए, आजकल मैं सोशल मीडिया पे कुत्तों को देख रहा हूँ ये चलाते हुए, वो लोग भी ऐसे ऐसे करके यूट्यूब देख रहे हैं, कुत्ता ऐसे देख रहे हैं ऐसे करके, मैं देखा हूँ तो क्या बोलूँ, बंदर चला रहा है। तो काश कि 51-52 हम बंदर पाले होते, तो 52 बंदर को अगर मैंने ट्रेनिंग दे दिया होता तो रोज 20-20 शेयर बंदर लोग करते, तो 5×2 1000 शेयर तो हमारे बंदर कर देते। अब मैं विचार कर रहा हूं कि क्यों ना बंदर पाला जाए, क्यों नहीं बंदरों के साथ रहा जाए, बानरों के साथ। अरे भगवान राम, रावण जैसे अभिमानी को बानर भालुओं को लेकर के हरा दिए, तो क्या इस धर्म युद्ध को हम बानरों को लेकर नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं। आप लोगों से तो अच्छा ही होगा महाराज, हमसे कोई शिकायत रहेगा नहीं, दिन में ऐसे ऐसे खाली खुजाएंगे ऐसे ऐसे करके, कुछ केला वाला दे दिए खा पी लिए, उसके बाद शेयर कर रहे हैं। हाँ फलाने जी, हाँ के ना 20, अच्छा ठीक है और करिए। तो ऐसे करके मैं 50 बानरों को रख करके वो सोशल मीडिया का काम कर देंगे, वो ठाकुर का काम कर देंगे, बकरी कर देंगे। तोता बहुत समझदार होता है, अगर तोता समझ गया और उसके चोंच में अगर लगा दिया आपने वो माउस जैसा तो पूरा काम कर देगा, वो तो अपना रील भी बना लेगा, सीताराम कटोरी कटोरी ए बेटू, अब पोस्ट भी कर देगा, बोलो सदगुरु भगवान की जय, पट से रील बन गया, तोता काम कर लेगा आपसे बढ़िया। तो हम तोता पाल ले रहे हैं, 51 तोता 51 बानर, ये सब रहेंगे तो कितना काम करेंगे। हे नर हे नारी, हे व्यापार हे व्यापारी, हे ताड़का हे पूतना के महतारी, कब सुधरोगे कब काम करोगे, देखो इस बात को। तो विनोद में मैंने कहा है इस पर ध्यान दीजिए, सभी लोग खूब भगवत नाम का प्रचार करिए, जो जिस माध्यम से कर सकता है करिए, हमारा मत करिए ना, अपना ही फोटो लगा के करिए, अपना उसमें लगाइए 3-4 प्रकार के, जो सुंदर वाला आते हैं उसमें 5-7 चुनते हैं वो, कि कैसे ज़्यादा गोरा हो जाएगा कोयला उसमें गोरा हो जाता है, ऐसा ऐसा कैमरा है कि उजला कोयला दिखाई पड़ा मेरे को एक दिन, कोयला हम ये कैसे हो गया, बोला नहीं ऐसा है महाराज जी, हम के तो बहुत बढ़िया। तो वो सब अपना बनाइए और डालिए, अपना ही कम से कम चौकटा बना करके अपना अपना डालिए, सीताराम तो लिख के डालिए, आदमी सीताराम पढ़ेंगे, राधे श्याम तो लिख के डालिए चौकटा पर। तो ये सब कर्म करते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए।